आराध्य और भक्त को एक करने का मार्ग है भक्ति, माध्यम है प्रेम से परिपूर्ण। जहां प्रेम होता है लोहिता, वहां भय कभी वास नहीं करता, वर्चस्व नहीं होता, भ्रम नहीं होता, कामना नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, अंधकार नहीं, अहंकार नहीं, केवल तुल्यता होती है लोहिता। कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। आराध्य और भक्त दोनों की एक ही इच्छा होती है, मिलन। और जहां ये मिलन होता है, ना ही वहां पाप है और ना ही पुण्य, ना जीवन है ना मृत्यु, ना सुख की कामना ना ही दुख की चिंता, वहां केवल मुक्ति पूर्णता। और यही तो भक्ति है लोहिता, और यही है भक्ति का उद्देश्य और भक्ति की यात्रा, और यही है भक्ति का कर्तव्य। अंधविश्वास भक्ति नहीं, अज्ञानता भक्ति, किंतु भक्त में अज्ञानता तो उसका समाधान अवश्य होता, क्योंकि भक्त की आस्था उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश तक अवश्य पहुंचाता है। समस्या तो वहां उत्पन्न होती है लोहितांग, जहां द्वेष हो, क्योंकि द्वेषपूर्ण व्यक्ति सदैव अपने मन के द्वार बंद कर लेता है किसी भी ज्ञान के प्रति, और उसके लिए उसका द्वेष महत्वपूर्ण। द्वेष ही बनता है उसका अस्तित्व, उसकी परिभाषा भी बन जाता है। उसे उसके द्वेष से मुक्त कराने वाला कोई भी ज्ञान, कोई भी मार्गदर्शन स्वीकार नहीं होता लोहिता।